आज मैं आपको बताऊंगा प्राणायामों के बारे में। तो हम करीबन यहाँ पर कपालभाति, भस्त्रिका, त्रिबंध का अभ्यास जिसे हम अंतःबंध और बाह्यबंध के साथ लगाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्राणायामों को करने से पहले यदि आप करते हैं ओम का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण, तो उससे क्या होता है, आपका मन शांत होता है उन क्रियाओं से। साथ ही साथ जो आसपास का वातावरण है उस स्थान पर भी आपको पॉजिटिविटी अनुभव होती है। तो सबसे पहले आप 3 बार ओम का उच्चारण और जितने भी आपके आपको याद हो मंत्र, गायत्री मंत्र का भी अभ्यास कर सकते हैं, या फिर जो भी जितने भी आपको मंत्र याद हो उनका अभ्यास आप कर सकते हैं प्राणायामों से पहले। तो सर्वप्रथम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद, लंबा गहरा श्वास, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो भरें लंबा गहरा श्वास, स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनाभुनत्व सहवीर्यं करवावहि तेजस्विनान्विधितमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ योगेन चितस्य पादेन वाचं मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रव्रमुनीनं पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रायनतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शांतिः। आपका मन, मस्तिष्क, शरीर और शरीर के आसपास का संपूर्ण वातावरण इन ओम के उच्चारण और मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही पवित्र, शांत और स्थिर हो जाता है। तो धीर से दोनों हाथ उठाएं, अपनी आंखों के ऊपर रखें और आंखें खोलते हुए सहजता के साथ